Yeah, class, welcome back. This is lecture number 2 of quadrilateral chapter. We are doing exercise 8.1, class 9th, quadrilateral chapter, page number 146. Question number 1 says, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of a quadrilateral. Class, बहुत आसान question है. एक आपको given है quadrilateral ABCD. इसके जो एंगल्स हैं, एंगल ये आपको दिया हुआ 3x, मतलब 3:5:9:13 दिया है. क्लास में इसे x के टर्म में मान रहा हूँ, तो एंगल ये अगर मैं 3x मानता हूँ तो b हो जाएगा 5x, c हो जाएगा 9x और d हो जाएगा 13x. गिवन आप खुद लिख सकते हैं. और टू फाइंड में क्लास हमें एंगल a, b, c और d की वैल्यू बतानी है, राइट? सो क्लास, हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, बहुत आसान है. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, विथ सेज एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ए के प्लेस पे लिखिए 3x, बी के प्लेस पे 5x, सी के प्लेस पे 9x और डी के प्लेस पे 13x. लिखिए 3 × 5 = 8, 9 = 17 × 13 = 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो क्लास x आ जाएगा 360/30, यानी कि 12 डिग्री आ जाएगा x आपका. तो क्लास अब आपके पास x आ गया. अब एंगल A जो कि आपका था 3x हो जाएगा 3 × 12, यानी कि 36 डिग्री. एंगल बी जो कि था 5x हो जाएगा 5 × 12, यानी कि 60 डिग्री. एंगल सी जो आपने 9x माना था वो हो जाएगा 9 × 12, 108 डिग्री. और एंगल डी जो कि था 13x हो जाएगा 13 × 12, 156 डिग्री. अगर आपको आपके आंसर पे जरा सा भी डाउट, आप इन चारों एंगल का ऐड करके देख लीजिए, सम जो है आपका वो 360 आना चाहिए. 8 6 14 6 20 0 2 carry 3 2 5 6 11 और 5 16 1 carry 360 डिग्री, राइट? सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्लास. इफ द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. क्लास अब एक खास बात होती है, जो आपको प्रूफ करना होता है ना आप वही बनाएंगे. गिवन है आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पर प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल है, तो आप रेक्टेंगल ही बनाना पहले ही सीधा. अब सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ क्लास. गिवन में दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. अब आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल और इक्वल होती है. तो इसमें अपोजिट साइड मैंने पैरेलल और इक्वल ले ली. ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी. ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी. क्लास हमें प्रूव करना है ए बी सी डी रेक्टेंगल है. बस आपको ये किसी तरीके से ना एंगल ए बी सी डी यू नो 90 प्रूव करने हैं. अगर आप इतना सा काम कर लेंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है? सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो हो सकते हैं, पर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूव करने हैं. और क्लास एक चीज़ और गिवन थी इसमें, इसमें ये भी गिवन था कि इसके जो डायगनल्स हैं पैरेललोग्राम के, ये आपस में इक्वल गिवन है. तो क्लास मैं यही लिख रहा हूँ, इसके डायगनल हैं ए सी और बी डी, वो आपस में इक्वल गिवन है. अब करें कैसे क्लास, ये दो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ए बी डी और ए बी सी. अगर आप इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देख रहे हैं, समहाउ मैं इन्हें कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करता हूँ. ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी और ए बी सी को ध्यान से देखिए. ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है. इसके अलावा ए डी इक्वल टू बी सी गिवन था, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं. और क्लास इसके अलावा डायगनल भी इक्वल गिवन थे, मतलब ए सी और बी डी ये भी आपको इक्वल गिवन था.
तो आप ध्यान से देखिए, ट्रिपल एस से ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखिए तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए क्लास, तो ए बी डी का एंगल ए और ए बी सी का एंगल बी मैं सी पी सी टी से इक्वल मान सकता हूँ, इसे मैं वन दे दूंगा। अब क्लास ध्यान से देखिए, को इंटीरियर एंगल्स देखिए, ए डी पैरेलल टू बी सी है और ए बी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन था। आई रिपीट, ए डी पैरेलल टू बी सी है और ए बी ट्रांसवर्सल है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए और बी का जो सम है वो 180 होगा। इसे आप नंबर टू दे दीजिए। इसका मतलब है इसे, ये को इंटीरियर एंगल है क्लास। को इंटीरियर एंगल्स भी आप इसे कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्लास अगर वन और टू को आप कंपेयर करेंगे, ए और बी बराबर भी थे और उनका सम 180 भी था, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों 90 ईच आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं उस तरफ के लेता, ए सी डी लेता और बी सी डी लेता, तो एंगल सी ओ डी भी 90 आ जाते। तो क्लास पैरेलल हम ये कह सकते हैं कि चारों एंगल ए बी सी डी 90 आ गए। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगनल भी इक्वल थे और चारों एंगल भी 90 हैं, तो हेंस ये प्रूव हो गया कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ध्यान रखिएगा क्लास। इसके बाद एक मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर नहीं होंगे तो मैं नेक्स्ट उसमें इसके वीडियोस अपलोड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, जैसा कि आप देख सकते हैं, डायगनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्स एंगल ए, वी हैव टू प्रूव दैट इट बाइसेक्स एंगल सी एज वेल, और हमें यह भी प्रूव करना है ए बी सी डी एक रॉम्बस है। तो क्लास ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी थोड़ा वॉमिटिंग से फील हो रहा है।